शैतानिर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीमा के दस्तखान के साथ में हाजिर हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, आपका दस्तखान हमेशा भरा रहे, दूसरों में खुशियाँ बांटें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बम्बई चिकन। उसके इन्ग्रीडियंट्स नोट कर लें। मैंने चिकन ली है, गोल्डन पीस लिए हैं आधा किलो। आप कैसी भी चिकन ले सकते हैं, हड्डी वाली भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे बोनलेस भी ले सकते हैं। ये आधा किलो मैंने चिकन ली है और उसको मैंने धो लिया, इसे वॉश कर लिया है। मैंने टमाटर लिए हैं आधा किलो के करीब, मैंने टमाटर लिए थे तकरीबन 400 ग्राम के करीब मैंने टमाटर लिए थे। उसको मैंने ग्राइंडर में काट के मैंने उसे ग्राइंडर कर लिया है। उसका पेस्ट लिया है मैंने और हरा धनिया आखिर में हम डालेंगे गार्निश के लिए 2 टेबल स्पून के जितना। इस तरह से मैंने तलहार मिर्च ली थी, बड़ी वाली जो मिर्ची होती है ये मैंने ली थी, और गोल वाली मिर्चें हैं इसको मैंने काट लिया है। इस तरह से मैं इसे छोटी एक इसमें काट ली और एक भंगार में हम डालेंगे काट के। इसी तरह मैं भंगार में भी डालूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून के जितना। इमली का पल्प है 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून। आप खट्टा ज़्यादा खाना है तो 3 से 4 टेबल स्पून कर सकते हैं। इसके लिए मसालों के लिए पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच, नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, और हल्दी लिया आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च ली आधा सा 1 चाय का चम्मच आप ले सकते हैं, हसबे जायका नमक और मिर्च हसबे जायका ले सकते हैं। आखिर में हम इसका भंगार लगाएंगे। भंगार के लिए मैंने कड़ी पत्ते लिए चंद अदरक, और 1 चाय का चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। साबुत गोल वाली मिर्चें ली थी 4-5, उस तरह मैंने काट ली हैं। इसी तरह तालार मिर्च ऐसी ली थी, ये मीडियम साइज़ की है, ये भी मैंने इसको काट लिए। और राई ली हमने 1 चाय का चम्मच, ठीक है। आखिर में हम इसका भंगार लगाएंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमें दो जगह ऑयल इस्तेमाल करना है, तो आधा कप के जितना 1/4 कप के जितना मैंने ऑयल लिया है, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है ये मैं डाल ली उसमें। अंदर तक फ्राई हो गए, अब मैं इसमें चिकन डाल ली, फिर हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पहले पानी डालूंगी, अगर इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले डालूंगी। ये मिर्ची जो है मैंने काटी थी गोल वाली मिर्ची और तलार मिर्ची, ये भी मैं साथ डाल दूंगी। एक मैंने उस भंगार में डालूंगी और इसको मैं मिक्स करूंगी। मसाला थोड़ा सा भूनूंगी पहले, तकरीबन मसाला भून गया है तो साइडों से भी साफ करते रहे। अब इसमें ये मैंने टमाटर जो इसका पेस्ट है ये मैं डाल दूंगी, और इसको हम मिक्स करके गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 मिनट हम इसको ढक के गलने के लिए छोड़ देंगे। देख लेंगे चिकन गल गई है 15-20 मिनट में, तो जब हम इसको मैं बताऊंगी क्या करना है आपको, उसको पैक करा देंगे। अच्छा, देखते हैं चिकन तकरीबन चिकन गल गई है। अब इसके अंदर मैंने ये इमली का पल्प डाल देते हैं। इमली का जो पल्प था 2 टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं आप, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे 1-2 मिनट, इसको पकाएंगे इसमें। और बस इसको मैं डिश आउट करती हूँ और मैं भंगा लगा के डिश में दिखाती हूँ, जिसमें मैं सर्व करूँगी उसी में मैं आपको भंगा लगा के दिखाती हूँ। सर 2 मिनट हो गए, अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल देना है। अब बस मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। अच्छा, 1/4 कप के जितना मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर मैं भंगा लगा रही हूँ, और ये मैं इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। उसके अंदर मैं ये भंगा लगाती हूँ। जीरा, कड़ी पत्ता, साबुत धनिया, तलहार मिर्चे, साबुत गोल मिर्चे और राई, हमने सब लिए। इसका मैं भंगा लगा, इसके अंदर भंगाल लगा देती हूँ। इसके अंदर हमने हरा धनिया ऊपर से छिड़क दिया, भंगाल लगा दिया। इसको चपाती के साथ, नान के साथ सर्व कीजिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। इसी के साथ देती हूँ इजाज़त, जिंदगी रही तो कल नई डिश के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।